नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। भारत के हर राज्य के इतिहास में कई रहस्य छिपे हुए हैं। इनमें से कई रहस्य तो वक्त के चलते किताबों के पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। भारत के हर राज्य में मौजूद सैकड़ों प्राचीन मंदिर आज भी अपनी कहानी बयां करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही राज्य के एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जिस गांव को मंदिरों के गांव के नाम से पुकारा जाता है। इतना ही नहीं, यह गांव गुप्त काशी के नाम से भी विख्यात है। कहां पर स्थित है मंदिरों का गांव? झारखंड के दुमका जिले में शिकारी पाड़ा के पास बसा एक छोटा सा गांव मलूटी है, जिसे मलूटी के नाम से लोग कम जानते हैं। इस गांव को मंदिरों के गांव और गुप्त काशी के नाम से अधिक पहचाना जाता है। इस गांव में पहुंचने पर जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहां पर केवल मंदिर ही नजर आएंगे। बाज बसंत राजवंशों ने बनवाए मंदिर। गाँव मलूटी में इन मंदिरों का निर्माण 1720 से लेकर 1840 के मध्य हुआ है। उस काल में इस गाँव का राजा एक किसान हुआ करता था। गांव में मंदिरों का निर्माण उसके वंशजों ने किया। इस गांव में विभिन्न देवी देवताओं के कुल 108 भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया। यह मंदिर बाज बसंत राजवंशों के काल में बनवाए गए थे। इन मंदिरों का सही ढंग से संरक्षण ना होने के कारण आज 108 मंदिरों में से अब केवल 72 मंदिर ही शेष रह गए हैं। इन मंदिरों के निर्माण में सुप्रसिद्ध चाला रीति की झलक साफ तौर से दिखाई देती है। इन मंदिरों के निर्माण में छोटी लाल सुर्ख ईंटों का प्रयोग किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इन मंदिरों की ऊंचाई 15 से 60 फीट तक की है। इन मंदिरों की दीवारों पर रामायण महाभारत काल की घटनाओं का खूबसूरती से रंग बिरंगे रंगों में चित्रण किया गया है। काली पूजा पर जानवरों की बलि देने की प्रथा। मंदिरों वाले गाँव मलूटी को पशुओं की बलि के लिए भी जाना जाता है। यहाँ माता काली के पूजा के दिन एक भैंसी और एक भेड़ सहित करीब 100 बकरियों की बलि दिए जाने की प्रथा प्रचलित है, परंतु मौजूदा समय में इस बलि प्रथा का विरोध शुरू हो चुका है। कैसे मलूटी गांव बना मंदिरों का गांव? मलूटी गांव में इतने सारे मंदिरों को बनाए जाने के पीछे एक रोचक कहानी है। यहाँ के राजा महल बनाने की बजाय मंदिर बनाना पसंद करते थे। गाँव में राजाओं की ओर से अच्छा मंदिर बनाने की होड़ सी लगी रहती थी। इसी कारण गांव में हर जगह खूबसूरत मंदिर बनाए गए। गांव में बने मंदिरों में देवों के देव भगवान भोले शंकर के अलावा माता दुर्गा, मां काली, धर्मराज, मनसा देवी, भगवान श्री हरि विष्णु सहित अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी बने हुए हैं। गांव में जागृति शाक्त देवी मौलिक्षा माता का मंदिर विशेष है। कौन थे राजा बाज बसंत? यह गांव सबसे पहले ननकार राजवंश के समय में प्रकाश में आया था। उसके बाद गौर के सुल्तान अलाउद्दीन हसन शाह ने इस गांव को बाज बसंत राय को इनाम में दे दिया था। राजा बाज बसंत शुरुआत में एक अनाथ किसान थे। उनके नाम के आगे बाज शब्द कैसे लगा, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। एक बार की बात है कि जब सुल्तान अलाउद्दीन की बेगम का पालतू पक्षी बाज उड़ गया, बाज को उड़ता देख गरीब किसान बसंत ने उसे पकड़कर रानी को वापस लौटा दिया। बसंत के इस काम से खुश होकर सुल्तान ने उन्हें मलूटी गांव इनाम में दे दिया। इस तरह से बसंत राजा बाज बसंत के नाम से पहचाने जाने लगे। बिहार पुरातत्व विभाग ने किया संरक्षण का काम शुरू। मंदिरों वाले गांव के संरक्षण का काम बिहार के पुरातत्व विभाग ने करीब 35 साल पहले शुरू किया था, जो आज भी जारी है। मौजूदा समय में है मंदिरों वाला गांव पर्यटन स्थल के रूप में विकसित भी हुआ है, परंतु मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण इस गांव को देखने वाले पर्यटक रात के समय रुकने से घबराते हैं। सो दोस्तों, यह थी मंदिरों वाले गांव यानी मलूटी से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।